तो जो एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा अराइज होता है जो नए बच्चे हैं हिंदूज में जो, या फिर जो हमारी पिछली जनरेशन भी है उनमें भी एक बहुत मिसइंटरप्रिटेशन है रिगार्डिंग कि कितने देवी देवताज है हमारे पास और देवी आखिरकार देवी देवता है कौन, आधों को ये भी नहीं पता। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज अप पीपल, दिस इज दीपांशु तोमर, यू आर वॉचिंग इंडिक लीग, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार कितने देवी देवता हैं, बाद में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार कौन कौन है और क्या होते हैं देवी देवता। तो सबसे पहले बात आती है वही कि देवी देवता कितने हैं। मेजॉरिटी स्पिरिचुअलिस्टिक पीपल और जो स्पिरिचुअलिस्टिक टीचर्स हैं और जो नियो हिंदूज हैं जो अपने आपको हिंदू बताते हैं और सेकुलर हिंदू जो हैं अपने आपको हिंदुज़म का ढोल पीट के लेते हैं कि भाई साहब हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, और वो इसलिए इसी को लेकर मजाक भी बहुत बार उड़ाते हैं कि हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं। एक बहुत बड़े स्पिरिचुअलिस्टिक टीचर हैं सदगुरु, उन्होंने भी अपनी कई वीडियोस में आपको जिक्र करा है कि दिस इज द कल्चर ऑफ 33 मिलियन गॉड व्हिच इज कंप्लीटली फॉल्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सद्गुरु। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ गॉडलेस कंट्री बट वी हैव 33 मिलियन गॉड्स एंड गॉडेसेस बिकॉज वी नो द टेक्नोलॉजी ऑफ गॉड मेकिंग। यस, इन हिंदू कल्चर देयर आर 33 कोटी देवी देवता। अगेन सेइंग 33 कोटि देवी देवता। मेजॉरिटी ऑफ द इंग्लिश ट्रांसलेटर्स जिन्होंने संस्कृत टेक्स्ट को हिंदी में या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया, उन्होंने कोटि को करोड़ में ट्रांसफ़र कर दिया और वहीं से चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि 33 कोटि मतलब 33 टाइप्स ऑफ गॉड। तो आखिरकार इन 33 टाइप के देवी देवताओं में सबसे पहला टाइप आता है आदित्य का। 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं और 2 अश्विन हैं। ये सबसे पहले आदित्य जो हैं ये हैं जो सोलर गॉड्स हैं हमारे पास, मतलब कि हमारे पास जितने भी गॉड्स हैं जो कि एक्चुअल में मैनिफेस्टेशंस हैं डेटी की जो हमारे देख रेख करते हैं पूरे यूनिवर्स की, लाइक इंद्रदेव एंड डिफरेंट गॉड्स। और फिर आते हैं हमारे पास रुद्र। रुद्र अवतार वो हैं जो एक्चुअल में लॉर्ड शिव के मैनिफेस्टेशंस हैं, यानी कि शिव तत्व है उसके जो डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है वो आते हैं रुद्र अवतार, रुद्र देव में। वो 8 जो वसूज हैं वो हैं एक्चुअली मटीरियल डेटीज, जो मतलब मटीरियल को तत्वों को संभालते हैं, लाइक हवा, ये सब जो हमारे देवता हैं वसुदेव, वायुदेव, अग्निदेव, ये सब आते हैं 8 वसु में। और जो अश्विन हैं वो सोलर डेटीज हैं जो कि अर्थ पर अपना सभी चीज़ें संभाल कर सभी चीज़ों पर काम करते हैं, लाइक साइंस, अर्थ, मेडिसिन, ये अश्विन देवों के अंदर आता है एक्चुअली। पर देवताज हैं कौन, आखिरकार इनका काम क्या है? सो जैसे हमारे पास इन डेमोक्रेसी वी हैव डिफरेंट मिनिस्टर्स, लाइक वी हैव प्राइम मिनिस्टर, जैसे सुप्रीम लीडर जिन्हें कहते हैं, तो सुप्रीम लीडर। उसके बाद आते हैं हमारे पास डिफरेंट मिनिस्टर जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। इसी तरीके से हमारे पास देवी देवता जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट संभालते हैं। फन फैक्ट टाइम। सो मेजॉरिटी पीपल सोचते होंगे कि क्या देवी देवता अमर है। मेजॉरिटी पीपल सोचते हैं कि हाँ देवी देवता अमर है, बट वॉट इज द रियलिटी? रियलिटी इज दैट देवी देवता अमर नहीं है। ऑल दी देवाज लिव्स फॉर अ मान मंत्र, मतलब जितने भी देवी देवता हैं वो एक मान मंत्र में जीते हैं और वो उस बीच में वो जिंदा रहते हैं, मतलब जो भी कुछ बॉन्ड हुआ है वो ही अल्टीमेटली डाई करेगा। सो देवी देवता जो हैं वो अमर नहीं है, दे लिव फॉर अ मान मंत्र एंड नॉट मोर देन दैट। मान मंत्र क्या है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आज जिस हम दुनिया में जी रहे हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कशन करना किसी भी चीज़ को एक इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा से देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने टेक्स्ट आज अवेलेबल हैं वो ट्रांसलेट हुए हैं इंग्लिश में। हम कभी भी नेटिव संस्कृत में नहीं पढ़ते, मेजॉरिटी पीपल को संस्कृत आती भी नहीं है आज इंडिया में। मुश्किल से शायद 1-2% इंडियंस होंगे जिन्हें संस्कृत कम्प्लीटली आती है, बट उससे ज़्यादा नहीं। और हिंदूज़ में भी बता दो 1% से 2% से ऊपर हिंदूज़ होंगे जिन्हें संस्कृत आती है अच्छी तरीके से और वो टेक्स्ट को अच्छी तरीके से पढ़कर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट स्टिल हम हिंदूज़ हैं तो हमें जितने भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं वो इंग्लिश से पढ़ते हैं। और उसी की वजह से जो आज मिसइंटरप्रिटेशन देवताओं के बारे में फैल चुका है पूरे वर्ल्ड में, उसे मिटाना बहुत ज़रूरी है। और अब जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ वो ट्रू फैक्ट्स उठाए हुए हैं मेरे संस्कृत नॉन ट्रांसलेबल बुक्स में जो कि पब्लिश करी है, जो कि रिटर्न और पब्लिश करी गई है इन्फिनिटी फाउंडेशन में और लिखी है राजीव मल्होत्रा जी और उनके एक कोलीग ने। तो आइए बात करते हैं उसी बुक के बेस्ड पर। अगर आपको बुक खरीदनी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर परचेज करिएगा, बहुत अच्छी बुक है। सबसे पहले कंपैरिजन में बात करते हैं आखिरकार देव वर्ल्ड आया कहाँ से, या फिर तो देव जो देवता वर्ड है वो देव वर्ड से आता है और देव देव का मतलब होता है टू अडोर, टू प्रेज, जिस चीज़ को हमें अडोर करना चाहिए। सो देवताज आर दोज टू बी अडोर्ड, जो भी जिन्हें प्रेज करना चाहिए हमें।
ऑन द अदर हैंड जो कि हमारे पास क्रिश्चियनिटी में कंसेप्ट होते हैं जिन्हें आजकल इक्वलाइज किया जाता है देवताओं से, वो होते हैं एंजल्स और गॉड। ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स हैं जो कि क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म में एक दूसरे को कंपेयर कर जाता है इन इंग्लिश लैंग्वेज। बट जो देवताज होते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट एंटिटीज होते हैं अपना एंजल्स से जो कि क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म में हैं। सो ये डिस्कस करते हैं आखिरकार ऐसा अलग क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एंजल्स। एंजल्स एक मेजॉरिटी एंजल्स काम करते हैं एज ए मैसेंजर ऑफ गॉड और या फिर प्रोटेक्टर ऑफ थ्रोन ऑफ द गॉड। गद्दी है भगवान की गॉड की इन क्रिश्चियनिटी हेवन में, उसे प्रोटेक्ट करते हैं एंजल्स। और इनके हायरार्की पूरा कंप्लीट होता है, उसके बारे में कभी डिस्कस करने का मतलब बनता नहीं है, बट स्टिल एक हायरार्की मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। ऐसी कुछ हायरार्की होती है जिसमें कि एंजल्स होते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनसे छोटे वाले, उनसे कम पौधे वाले, उनसे कम पोजिशन वाले, फिर उनसे कम पोजिशन वाले, एंड देयर यू गो टिल द सेंटेंस, यानी कि जो भी कुछ नेगेटिव पार्ट माना जाता है एंगल्स का वो। और बट इन द हिंदुइज्म द कंसेप्ट ऑफ देव आर कम्प्लीटली डिफरेंट। देवताज आर द पीपल हु आर देयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी, और उन्हें जो पूरे वर्ल्ड है कॉस्मोस को मेंटेन करने के लिए वो होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एंजल्स होते हैं ये एक्चुअली गॉड के थ्रोन को बचाते हैं हेवन में, बट जो हिंदुइज्म में है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। द गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट और वो हमेशा से थे, ही इज़ इटर्नल। और जो उनका अडॉब है यानी कि जिस जो थ्रोन की बात हम क्रिश्चियनिटी में कंपैरिजन में करते हैं वो कम्प्लीटली इटर्नल है और वो उसे कोई भी वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है। वो इस मटीरियल वर्ल्ड से बहुत अलग जगह। अगर हम कंपैरिजन करें बर्थ एक एंजल की और एक देवता की, वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो हमारे पास एंजल्स होते हैं वो एग्स नाइलियोज होते हैं जिन्हें एंजल बनाया जाता है बाय द जूडियो, बट जो देवताज होते हैं वो एक्चुअली जीवात्माइज, जो जीवात्मा होती है जो इटर्नल होती है जो कि जिन्हें कभी नहीं मारा जाता, वही जीवात्मा को अलग अलग रोल असाइन करे जाते हैं इन द कॉस्मोस। लाइक हम जो जीवात्मा है वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, बट जो देवताज हैं दे तो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वो हम में से ही निकली हुई जीवात्मा है जो कि इन्हें पोजीशन मिली गई है एज एन देवता। लाइक हम चूज़ करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर हम में से एक होते हैं और हम उन्हें चूज़ करके बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसी तरीके से देवता होते हैं वो हमारे जैसी जीवात्मा होती हैं और उन्हें ही प्रमोट कर फ्रॉम अ ह्यूमन बींग उन्हें ही प्रमोट करके हम देवता बना देते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉस्मोस। अब ये किस बेसिस पर होता है? ये बेसिस पर होता है बेसिस ऑफ कर्म। आपने अपने पिछली लाइफ में, पास्ट लाइफ में किस तरीके से कर्म किए थे उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाया जाता है। एक वैष्णव धर्म जो है हमारे पास, वैष्णविज्म जो है, उसमें एक बेसिकली पूरा कंसेप्ट है इसका। अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ उस बारे में कि आप किस तरीके से डिफरेंट बर्ड्स में बन सकते हैं। क्रिश्चियनिटी में एंजल्स को पूजना एक ब्लैस्फेमी माना जाता है, यानी कि अगर वी आर समबडी इज़ वर्शिपिंग एंजल्स तो वो ब्लैस्फेमी होगा, और ब्लैस्फेमी की सजा आपको पता ही क्या। हाँ, हिंदुइज्म में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुइज्म में जो है देवता जितने भी होते हैं उन्हें एक्चुअल में वर्शिप किया जाता है फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट्स एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। लाइक हमने देखा ही है जब हम कृष्ण जी के बारे में पढ़ते हैं तो एक बार जो अपना इंद्रदेव को प्रेज करने की बात आती है फॉर द रेन, और हम इसी तरीके से अलग अलग देवदास को प्रेज करते हैं ड्यूरिंग आर रिचुअल्स कि ताकि हमारे साथ जो ह्यूमैनिटी है उनका प्रॉस्परस काम हो। तो इसी तरीके से जो हमारे पास डीटी ये वाले जो हमारे पास देवदास हैं उन्हें हम पूजते हैं फॉर डिफरेंट वर्क इन द यूनिवर्स। बाकी देखो, अब लास्ट पॉइंट में इसमें रखना चाहूँगा वो ये है कि जितने भी हमारे पास एंजल्स हैं और जितने भी ये हैं, जितने भी एंजल्स होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव, बट जो देव होते हैं वो हमेशा वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड के लिए रहते हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हम यहाँ मिस करना नहीं चाहता, मैं वो ये है कि द ऑल देवताज हैव देयर फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव शक्ति। मतलब हमारे पास क्या होता है, वी बिलीव इन शिवा शक्ति कंसेप्ट, मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, और हर देव के साथ एक फेमिनिन काउंटर पार्ट ज़रूर होता है। सो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और पता है ना आगे क्या करना है, दबा के शेयर करो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले हफ्ते में जो दो वीडियोस आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री के एक लेसन पर बेस्ड है। मैं चाह रहा था कि दो वीडियोस किसी और चीज़ बनाऊं और दो चीज़ों किसी और पे, तो मंथली मैं ट्राई करूंगा कि चार वीडियोस आएँ, बट अगर नहीं हो पाता तो नो प्रॉब्लम विद दैट। सो लेट्स वेट टू द नेक्स्ट वीडियो।